11,000 से नीचे बात ही नहीं कर रहे भाई। 11,000 एक कीजिए ना, सुबह होता है। नहीं रे बाबा अंदर जाने दे रहे। बिल्कुल बजट में चल रहे हैं ताऊ, बजट में नहीं बिल्कुल हाहाकार में चल रखा ताऊ ने। चंडीगढ़ से पहुंच चुके हैं ताऊ हमारे यहाँ पे। और ताऊ आज सब्जी सब्जी क्या बात, इसमें चावल नहीं दिख रहे, रोटी दिख रही कुछ है ही नहीं, तो अभी कुछ नहीं है, अभी आ रहा है। तब तक भूख लग रही है, यही खाते जाता हूँ, इससे पेट भर जाएगा। कैसा लगा फिर आपको यहाँ खाना? बहुत बढ़िया बनाया। यहाँ कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा, थोड़ा गर्म हो रहा है, थोड़ा गर्म तो है ही यहाँ बल्दानी से, इधर को आओगे गर्मी तो है ही हर जगह। तो अभी ताऊ ना अभी चंडीगढ़ से आ रहे हैं और अभी जो है हमारे साथ में ही बागेश्वर आएंगे और हमारे लली चाचा जी, हमारे दुल्हे जी, जिनको कि मैंने आप लोगों को ना कल के ब्लॉग में मिला दिया है। और आज है ना बिल्कुल गुजारा बसेरा इसी से करने वाले हैं। देखो इसमें है सादा पानी और ये पानी पी के ही काम करने वाले हैं, काम चलने वाला है इनका, पानी पी के जो है इनका काम चलने वाला है। और ये चीज इनको आज पता चल रही है। कैसा लग रहा है फिर? इसका एक्साइटमेंट अलग है, बट इतना लंबा मत सोचा, अभी और भी चीजें बीच में। कस रहो बला रहो बल रहो। तो भाई साहब बिल्कुल मस्त करके ना यहाँ पे खाना हो गया। और खाने में ना जो मजा है ना, ओ भाई हिमांशु भाई को पता है कैसा लगा खाना भाई? बढ़िया, मजा आ गया ना। और अभी जो है हम नीचे आ रखे हॉल में, यहाँ पे बिल्कुल मस्त करके बैठे हैं और ऊपर ना वैसे गर्मी हो रही है। और ताऊ देखो यहाँ पे क्या लगा सेटअप में लगे अपने, ताऊ क्या कर रहे हो? ये शादी का जो है प्योन पिटार जो है वो बना रहा हूँ, इसमें छोली का सामान है और दुल्हन का सामान है, ये सारा सामान रेडी किया जा रहा है। श्रृंगारदान है, जूते है, चप्पल है, लहंगा है, महंगा है, सब ये चीज रेडी किया जा रहा है। मैं हूँ चल बलकाम सिंगनी, मैं हूँ चल बलकाम सिंगनी, हम यार काम सिंगनी प्योन पिटार तो रामलीला ओवर करेक्ट लग रहे हो पता है। भाई साहब खाना खाने के बाद बिल्कुल मस्त करके आराम किया, अभी जो है शाम के 7 बज चुके हैं। अब जाके हमारे सारे भाई लोग भी जो है बिल्कुल मस्त करके रेडी हो चुके हैं। हालांकि जो बारात है वो बिल्कुल मस्त करके पहाड़ी रीति रिवाज में ही हो रही है, जिस तरह की हमारे घर में होती है, ढोल दबाओ के साथ बाजा गाजा वही है बिल्कुल। यहाँ पे सीन ये है कि मतलब जो दूल्हा है ना वो मुंबई में रहते हैं, तो इस वजह से जो है उनकी शादी यहाँ हल्द्वानी में हो रही है। हालांकि घर रहते ना तो घर से जो है बारात आती अल्मोड़ा, क्योंकि दुल्हन जो है अल्मोड़े की ही रहने वाली है। तो यहाँ पे देख पा रहे कुछ इस तरह से हमारी दादी लोग बिल्कुल रंगली पिछड़ पहन के तैयार हो चुके हैं बराती जाने के लिए। तो कैसा लग रहा है? और यहाँ पे कुछ इस तरह से ढोल दमाऊ नांगड़ा और अपना मसकबीन बिल्कुल मस्त करके यहाँ पे बाज रहा है, साथ में चाचरी यहाँ पे जो है गाए जा रहे हमारे उत्तराखंड की परंपरा। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से दादी दुल्हे जी की मम्मी कुछ इस तरह से यहाँ पे चल रही है भाई, फोटो शूट खींचो खींचो। ये देखो गाइस, गूगल मैप ने हमें भबरा दिया है खतरनाक करके, पूरा लोगों के घर के छत के ऊपर से रास्ता बता रहा है। देखो इतने सारे रास्ते बता रहा भाई, और वो भी गली में गली, गली में गली। और ये है बस, बस को गली गली में ऐसा घुसा दिया ना इधर से उधर। और देखो हमें कहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं है भाई। कुछ देर भबरीने के बाद, तो भाई कुछ इस तरह से गलियों में भटकने के बाद अभी जो है फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे की बारात है। और कुछ सारे देख पा रहे यहाँ पे बिल्कुल मस्त करके, अब यहाँ पे देसी स्टाइल में रात।
एंटरटेनमेंट। ओ माई गॉड। भाई साहब लगभग रात के 12:30 हो चुके हैं और जो है यहाँ पे जयमाला भी बिल्कुल मस्त करके कंप्लीट हो गया है और ना अब जो है लग गई है भूख, तो अभी जो है आ रखे हैं खाने की तरफ को, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बचा हो तो खा लेते हैं। भाई हिमांशु भाई ने और मैंने कुछ नहीं खा रखा अभी तक, तो है खाना तो है वैसे। भैया तो भाई साहब खाना खाने के बाद कुछ इस तरह से हर शादी की तरह इस शादी में भी रस्म हुए और अभी जो है बिल्कुल मस्त करके दुल्हन की विदाई का समय हो गया है और अभी जो है लगभग मॉर्निंग के करेक्ट 4 बजे कुछ इस तरह से दुल्हन की विदाई हो रही है। यहाँ से भी विदाई होने लगी है दुल्हन की कुछ इस तरह से बिल्कुल देसी स्टाइल में। और भाई लगभग 1 घंटे का सफर रहा और अभी जो है फिर से पहुंच चुके हैं उसी होटल में जहां पर से कि आज की बारह जो है शुरू हुई थी, तो अभी जो है दूसरी बस भी आ चुकी है और एक बस वहां पे है जिसमें कि हम आए थे। गाइस इधर देखो दूल्हे का पैसे का माला अड़ा दिया। यहाँ पे ना दुल्हन के घर में दूल्हे को लूटा और अब दूल्हे के घर में दुल्हन को लूटा जा रहा है। भाई फरमाइश देखो कितनी है, दुल्हन बोल रही है 5,000, वो बोल रहे डबल 11,000 से नीचे बात ही नहीं कर रहे भाई। 11,000 नहीं रे बाबा, अंदर जाने दे रहे। सीधा भेज दे, क्यों आ गए तो सीधा भेज ही। अरे ये दे दो, अच्छी भाभी मिल जाएगा, मिल जाएगी, दिक्कत नहीं, दिक्कत ना होगी। मान जाओ यार, कितने हुए दिखाओ। अरे रहने दो यार, क्यों फंसा, चल ना ना भी फंसा, क्यों फंसा रहे हो यार। आ गया है 5,00,000, डिवाइड करने वाले कितने हो, एंजॉय 5 जने हो, 1,000 रुपए पहुंच जाएगा। खुश रहो, खुश रहो, इतना मिल गया वरना अभी रिफंड करवा लो।